हेलो फ्रेंड्स, इजी फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में आपको हम पोल्ट्री रिलेटेड सारी जानकारियां देंगे। इसका हमारा टॉपिक है टर्की मुर्गी पालन के ऊपर। किस तरह टर्की ऐसा मुर्गी है जिसे हम हरे चारे में 70% हरा चारा खिला के पाल सकते हैं। हरे चारे में भी दोस्तों बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आप उनको केले का पत्ता दे सकते हैं, पत्ता गोभी, फूल गोभी, जो सीजनल वेजिटेबल्स या सब्जी मिलती हैं, और घर का बचा कुचा अनाज जैसे खाने का वेस्टेज हो गया, फिर आप उनको अजोला घास कहते हैं। घास को देखिए, और आप हरे चारे के रूप में कैल्शियम प्रोटीन की वजह से अजोला घास का बेड बना या फिर आप पॉलीथीन बिछा के बना सकते हैं। पन्नी बिछा के केले के पत्ते के साथ साथ जितना भी हरा चारा है वो सभी उनको बहुत पसंद है, और वो अलग अलग हरा चारा चुन चुन के खाती रहती है। तो के घर पास जितना भी हरा चारा पत्ते वगैरह अवेलेबल है वो आप दे सकते हैं। टर्की के साथ आपके घर में अगर दूसरी मुर्गी है तो उनको मल्टीविटामिन भी यूज कराइए। अपने घर का धान 15 दिन के बाद बाद उनको वाइमरल सब्जी खिला के टर्की पाल सकते हैं, तो इससे आपको मुनाफा होगा। अलावा भी आप टर्कियों को धान, गम, भुट्टा ये सब खाने दे सकते हैं। टर्की मुर्गियों को बीच बीच में 15 दिन के बाद 3 दिन लगातार वाइमरल विटामिन और एक कम कीमत में ऑस्टोवेट नाम का एक कैल्शियम का वो लिक्विड आता है, वो भी आप दे सकते हैं ताकि आपकी मुर्गियाँ स्वस्थ रहे। 3 महीने होने के बाद आपकी टर्की मुर्गियों को 3 महीने होने के बाद आप कृमि का डोज करा सकते हैं, और इसे साल में 2 बार यूज़ करना चाहिए ताकि उनकी हाजम शक्ति अच्छी रहे। वैक्सीन करना है इसका चार्ट मैंने आपको ये दे दिया है। तो आपकी टर्की जब 5वें महीने में आ जाएगी तो आपको उन्हें थोड़ा थोड़ा करके लेयर फीड खिलाना है, ताकि जब वो अंडे में आए तो उनके अंडा ज़्यादातर फर्टाइल निकले और उनसे आप चूजा निकाल कर अच्छा मुनाफा कमा सके। तो अगर तो इस तरह से आप चूजे की डिमांड है तो कमा सकते क्योंकि होगी, क्योंकि धीरे धीरे टर्की पालन बहुत कॉलेरा 5-7 किलो की हो जाती है और अंडे पर आती है, और मेल टर्की कम से कम 15 किलो का हो जाता है। आई होप कि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो। मेरे वीडियो को देखिए, धन्यवाद। अगला वीडियो आप किस टॉपिक में जानना चाहते हैं कमेंट कीजिए।